हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और एक नया अपडेट निकल के आ रहा है निमी की तरफ से। निमी, जैसे कि आपको बताया, CITS एडमिशन से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो निमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन की ऑफिशियल साइट पे आपको जाना है। तो अभी अभी मैंने आपको एक पोस्ट डाला था कि जिन लोगों ने कल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था उनका जो है रिजल्ट आ चुका है। तो वो पहली बात यह है कि जाके वहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। दूसरी बात यह थी कि जो सेकंड काउंसलिंग थी, वो सेकंड काउंसलिंग वाले बच्चे जो है काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि कब से जो है सेकंड काउंसलिंग शुरू होगी। तो देखिए, सेकंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो भी आ चुका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है तो जो रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल है वो आपके सामने जो है खुल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट फेज का आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया, ठीक है। फर्स्ट फेज का आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि 23rd यानी कि आज 23rd तारीख है, तो ट्रांसफ़र लिस्ट कंफर्मेशन एंड वैकेंसी लिस्ट डिस्प्लेड, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यानी कि आज देखिए, जो जिन लोगों ने कल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था उनका जो है आज जो है रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर बात थी जो है वो फंसती थी वो सेकेंड काउंसलिंग वाली की, कि सेकेंड काउंसलिंग जो है सब कब से जो है शुरू होगी। तो देखिए 24 और 25, अब यहाँ पे देखिए 24-25 को क्या होगा, तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट, पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस बाय कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड फीस अर्लियर, यानी कि ध्यान से समझिएगा, अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपने फीस पेड कर दी है, आपको कोई सीट अलाट नहीं हुआ या आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया है, आप सेकंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप बिना फीस जो है पेड किए सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आपने पहले फीस पेड कर दी है। और जिन लोगों ने फीस पेड नहीं करी है उनको फिर से पेड करनी होगी फीस। और यहाँ पर अपनी जो च्वाइस है, यानी कि च्वाइस फिलिंग की बात करें, 24 और 25, ध्यान रखिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जो 24 और 25 को क्या होगा, च्वाइस फिलिंग होगी सेकेंड काउंसलिंग का। 24 और 25 तारीख को आपको च्वाइस फिलिंग का जो है ऑप्शन ओपन रहेगा। 25 तारीख को कब तक ओपन रहेगा, 5:30 बजे तक ये ओपन रहने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जब आपको अलाट हो जाएगा, अब जैसा कि 24-25 को आप कॉलेज च्वाइस करेंगे तो 26 को सुबह आपको जो है कॉलेज अलाट हो जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिला है। तो 26, 27, 28 और 29, क्योंकि आपको पता है पहले जो काउंसलिंग थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस था वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो बाद में निमी को क्या करना पड़ा था, डेट को अपने बढ़ाना पड़ा था प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने पहले से ही 4 दिन दिया है, तो 26, 27, 28 और 29 तारीख को आप अपने नियरेस्ट जो है NSTI में जाके क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलाटेड इंस्टीट्यूट अपीयर्ड इन कैंडिडेट लॉगिन, यानी कि 24 और 25 को जो आप च्वाइस फिलिंग करेंगे 26 को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो कैंडिडेट अप्रोच नियरेस्ट NSTI, आप नियरेस्ट NSTI में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं और प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। अब फिर यहाँ पर बात आती है ट्रांसफ़र की, जैसा कि अभी फर्स्ट राउंड का ट्रांसफ़र हुआ, सेम इसी तरीके से 30 दिसंबर को आपका ट्रांसफ़र का ऑप्शन खुलेगा कि अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, ध्यान से सुनिएगा, सेकंड काउंसलिंग में भी लोगों को वही करना है कि जो फर्स्ट नंबर पे कॉलेज चाहिए वही भरना है, भले ना मिले। अगर नहीं मिलता है तो आप ट्रांसफ़र प्रोसेस में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 30 तारीख को अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला तो आप ट्रांसफ़र कराना चाहें तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 31 तारीख को आपका क्या आएगा, ट्रांसफ़र का रिजल्ट आएगा, यानी कि सेकंड काउंसलिंग का जो ट्रांसफ़र का रिजल्ट है वो कब आएगा, 31 तारीख को। इसी तरीके से जो थर्ड काउंसलिंग में लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या जिनको सेकेंड काउंसलिंग में नहीं मिल पाएगा उनको क्या करना है, वो 1 जनवरी और 2 जनवरी को कॉलेज च्वाइस करेंगे और 3, 4, 5 और 6 जनवरी को क्या करेंगे, अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियरेस्ट NSTI में करा सकते हैं। ये थर्ड काउंसलिंग वालों की बात मैं कर रहा हूँ, थर्ड फेज काउंसलिंग की, सेकंड काउंसलिंग वाला ऊपर था। और सेम इसी तरह 7 तारीख को इसका ट्रांसफर प्रोसेस चलेगा और 8 तारीख को जो है, 8 तारीख को क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र लिस्ट कंफर्म हो जाएगी और आपकी जो कौन सा ट्रांसफ़र मिला हुआ है, अगर ट्रांसफ़र में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो वो आपको पता चल जाएगा। और मापअप राउंड की बात करें तो कुछ लोग मापअप राउंड का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि क्वालिफाइड ही नहीं है, यानी कि जैसे कि 33 जनरल का मार्क है तो कुछ लोग का मान लीजिए 30 नंबर है तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे, तो वो किसमें मान लीजिए 10 नंबर 20 नंबर पाया, उन्होंने 25 नंबर पाया है तो वो क्या करेंगे, मापअप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर सीट खाली होगी तो क्या हो जाएगी, उनको मिल जाएगी। तो मापअप राउंड फॉर ऑल वैकेंट सीट, रजिस्ट्रेशन फॉर मापअप राउंड, इसके लिए भी आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। मापअप राउंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और फिर 10 तारीख को आपको अलाट हो जाएगा और 11 तारीख को आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। ये थी मापअप राउंड वालों की सूचना। तो इस तरीके से जो सेकंड काउंसलिंग में सबको पार्टिसिपेट करना है, भले ही आपका कम नंबर हो लेकिन आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। अगर आप
का जो मतलब मिनिमम मार्क है 33 और जनरल ओबीसी हैं और 20 एससी एसटी हैं, तो आप ज़रूर सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। और सेकंड काउंसलिंग कब से शुरू होगी? 24-25, यानी कि 24-25 से शुरू हो जाएगी, यानी कि कल से जहाँ तक है, क्योंकि आज कितनी तारीख है, आज में भी 23 तारीख है, तो कल 24 और 25 को जो है आपका काउंसलिंग जो है शुरू हो जाएगा, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अपडेट आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें CTI से जुड़ी किसी अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।